स्मृति स्थल जहां अटल जी को आखिरी श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद उनका स्मारक उसी स्थान पर बनेगा। आप भी जानना चाहते होंगे वो जगह कहाँ है और कैसी है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता वहां पहुंचे हैं, वो आपको वहां से रिपोर्ट बता रहे हैं। इस वक्त हम राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मौजूद है। दरअसल यहीं पर प्रधानमंत्री की जो अंतिम यात्रा है यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ पर उनका दाह संस्कार होगा और उसके बाद यहीं पर समाधि बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त भी पुलिस का खासा अरेंजमेंट हुआ हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है जब जैसे ही 1 बजे के आसपास जब उनकी अंतिम शव यात्रा निकलेगी, तमाम VVIPs उस वक्त मौजूद रहेंगे और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जाहिर तौर पर ये जो दरअसल जगह है ये विजय घाट और शांति वन के बिल्कुल बीच की जगह है और ऐसे में यहाँ पर जो है उनकी ये बताया जा रहा है कि दाह संस्कार होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर उनका जो है समाधि भी बनाई जाएगी। तो फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं कि अभी से ही जवान तैनात हो गए हैं और जैसे रूट जो कि हमारे जॉइंट CP ट्रैफिक से बात हुई है, 1 बजे के आसपास अंतिम शव यात्रा निकलेगी, तमाम रूट्स को क्लोज कर दिया जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए ITO, फिर वहाँ से दिल्ली गेट से यहाँ तक पहुँचेगी राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक। तो कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के बहुत खास अरेंजमेंट किए गए हैं। कैमरन वाहिद के साथ चिराग गोठी, राष्ट्रीय स्मृति स्थल दिल्ली आज तक।